हेलो कौन सब? मैं शाकाल बोल रहा हूँ। हाँ शाकाल बोलो। अर्जुन जेल से भाग गया है। क्या? अरे हजूर पसीने मत पोंछिए, जरा कुछ सोचिए। क्या सोचूं? अरे हजूर अपनी जान बचाने का कोई तरीका सोचिए, दुश्मन का क्या भरोसा, साला कहीं से भी हमला कर सकता है। अरे किसी के बाप का राज है जो कहीं से भी हमला कर सकता है? मैं कोई चूहा बिल्ली हूँ क्या? मैं मिनिस्टर हूँ मिनिस्टर, एंड दिस इज इंडिया। यार रावण को मारना आसान है लेकिन मिनिस्टर को मारना मुश्किल है, देखता हूँ साला कौन मुझको मारता है। कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया। प्रजापति अब तेरे पाप का अंत होगा। नहीं मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। कोई भाली रमेश गोपाल क्या हुआ जजमान? हुआ सरकार। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? नहीं 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 सरकार। तो मेरी तस्वीर पर माला किसने चढ़ाई? सरकार मैंने नहीं चढ़ाई। जजमान आपके मरने से पहले आपकी तस्वीर पर हार कौन चढ़ा सकता है? राहु केतु शनि जाकर देखो। पंडित हार तो है ही नहीं। अरे हार हो ही नहीं सकता बाली, ऐसा लगता है जजमान 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 मेरा ज्योतिष कभी गलत हो ही नहीं सकता। सरकार आपकी तस्वीर पर कोई हार है ही नहीं। क्या बक रहे हो, मैंने अपनी आंखों से हार देखा था। जजमान मैंने चश्मा साफ करके देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, वहाँ कोई हार नहीं। सरकार आप चलकर देख लीजिए। कमीने मुझे अंधा समझते हैं। तुम मुझे अंधा समझते हो, मैंने अपनी आंखों से हार देखा। आओ चलो दिखाऊं। देख लीजिए जजमान इस पर कोई मारा नहीं है। मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई हार नहीं है। ठीक है जाओ दरवाजे अंदर से बंद कर दो जाओ। अच्छा जजमान। मिस्टर प्रजापति अभी तो तुमने अपनी तस्वीर पर हार देखा है, बहुत जल्द दुनिया तुम्हारी चिता से उठते हुए शोले देखेगी। नीचे तुम्हारी शमशान यात्रा का पूरा इंतजाम हो चुका है। नहीं। तुम्हें 24 घंटों के अंदर खत्म कर देने की चेतावनी देने वाली। जी, ये सब विधि का विधान है, आपका अंत होने वाला है, आखिरी समय आ गया है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। पंडित पंडित पुलिस मेरी क्या हालत हो गई है, तो मेरी जान निकल जाएगी। आप मेरे साथ नीचे आइए और देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। आइए चलिए। ये देखिए मेरी अर्थी, और मेरी अर्थी पर मेरे पसंदीदा फूल, और वो शव यात्रा वाली मटकी,
और अंदर मेरी तस्वीर पर कितने फूल लगा रखे हैं। कभी इतने साथ में मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। आए, आपके पांव का मिनिस्टर साहब, आपको कुछ नहीं होगा। हमने यहाँ पुलिस का ऐसा बंदोबस्त किया है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, 100% कुछ नहीं होगा, 100% कुछ नहीं होगा। तब तो ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। गुड नाइट। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर अशोक, बंगले के अंदर और बाहर कड़ी निगरानी रखो, कोई पत्ता भी हिलने न पाए। ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। 304 सर। सर तुम सामने के दरवाजे पर पहरा दो, हिलना मत। सर इसके लिए भी नहीं। शट अप। जी रोक लूंगा। तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये खोपड़ी में पत्थर किसने मारा? तू? तुमने नहीं? अजय? अच्छा, ये पत्थर मार के हंसता है? मैंने तो पत्थर नहीं मारा, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। अच्छा बेटा, सांप को बोल के अंदर करवा दूंगा। अबे तू क्या बंद करवाएगा, पहले अपना मुंह बंद कर। 304 से 420 ही 420 होगा। तू शट अप। यू शट अप। यू शट अप। यू शट अप। तू मुझको बोल। अरे यू शट अप। तू क्या बंद करवाएगा? यू शट अप। अबे 304 इंस्पेक्टर है। शट अप। सारा इंतजाम ठीक है? यस सर, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर। होल्ड अप। अजीब इंस्पेक्टर। कोई नहीं बचाए मुझे इस दुनिया में। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। कोई आदमी हमारे घर के अंदर घुसा है और हमें मार देना चाहता है। हमारे होते हुए कोई और तुम्हें मारे, ये तो तुम्हारे साथ ना इंसाफी होगी। तुम अपनी बहन की लुटी हुई इज्जत का बदला लेने आई? मैं DCP खन्ना के खून का बदला लेने आई हूँ। Oh.
इंस्पेक्टर साहब, मंत्री जी सुख चैन से तो है ना? हाँ, थैंक यू। इसका मतलब सब ठीक ठाक है, मंत्री जी आराम की नींद सो रहे हैं, तो हम लोग भी आराम करें। खड़े हट, बैठना नहीं, आराम का मतलब तनखा कटवा दो। अर्जुन तुम यहां? मैं तो कानून से भागा हुआ एक बेकसूर हूं, मगर आपको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? मैं मानता हूं कि ये हमारे मुजरिम थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इन लोगों को सजा देने के लिए आप खुद ही मुजरिम बन जाए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि इन्हीं लोगों ने कैसे कैसे अत्याचार किया हम पर? इन्हीं दरिंदों ने कैसे कैसे जख्म दिया हमें, कैसे कैसे ठोकरें मारी हमें, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम ये भी नहीं जानते कि मैं निशा? कह लेने दो दीदी मुझे। शतवर्दी और कानून के जोश में ये आपकी जबानी सुनाई हुई मेरी बर्बादी की दास्तां भूल गए हैं। बर्बादी? तुम्हारी बर्बादी? किसने किया बर्बाद तुम्हें? हाँ निशा, आज तक मैंने इस बात को एक राज बनाए रखा था। दीदी, हाँ निशा, आज तक मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझ में कहने की हिम्मत नहीं थी, और अगर मैं कह भी देती तो शायद ये उस दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और तुम? मगर आज इन्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं खुद सुनाऊंगी अपनी बर्बादी की वो कहानी, इन चारों के किए हुए अत्याचार की उदासना मैं खुद सुनाऊंगी। इतना बड़ा दर्द आप अकेली सहती रही, उन लोगों ने मेरी निशा के साथ इतना घिनौना जुर्म किया और आपने मुझे बताया तक नहीं? और अगर मैं बताती तो क्या हो जाता? क्या मैं निशा से मुंह मोड़ लेता? और अगर ये दुर्घटना हमारी शादी की बात होती तो क्या मैं निशा को छोड़ देता? मगर अब शाकाल को सजा मैं दूंगा। नहीं अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरा भी है। शाकाल ने मेरे माथे पर लगने वाली बिंदिया भी मिटाई है। ठीक है, हम दोनों मिलकर शाकाल के सीने पर मौत की मोहर लगाएंगे।